सलमान खान के बारे में वो पांच सच जो आप नहीं जानते होंगे, हम उठाएंगे हर अनसुने सच से पर्दा। कभी दुबलेपन की वजह से बॉलीवुड छोड़ने का बना लिया था मन, लेकिन एक स्टार ने सुपरस्टार बना दिया। अपने घटिया काम पर बंद कमरे में रोए थे, पश्चाताप के आंसू बहाए थे, दिल पलटा तो समाज के लिए करने लगे ये काम। लड़कियों की पजामी पहनकर बचाई थी इज्जत, चौथा सच सुनकर तो आप दंग रह जाएंगे। क्या आपको पता है कि युवा दिलों की धड़कन कहे जाने वाले सुपरस्टार सलमान खान 57 साल के हो गए हैं। जी हाँ, 60 साल से महज 3 साल कम। जिस उम्र में लोग दादा बन चुके होते हैं, उस उम्र में सलमान लड़कियों के दिलों में राज कर रहे हैं। लेकिन इसी स्टारडम के पीछे कई सफेद काले सच भी छुपे हुए हैं, जिस पर से पर्दा हमारी आज की रिपोर्ट हटाने जा रही है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अंतिम सच जानकर तो आपके मन से कई विश्वास डावाडोल हो सकते हैं। सच नंबर 1, खुद चाहते थे कि मेरी फिल्म डूब जाए। सलमान वो सुपरस्टार हैं जो अपने दुबलेपन के कारण कभी हीरो नहीं बनना चाहते थे। वे डायरेक्शन सीख रहे थे, किस्मत से फिल्म बीबी हो तो ऐसी मिल गई और वो पर्दे पर आ गए। मजेदार ये है कि खुद सलमान चाहते थे कि उनकी ये फिल्म फ्लॉप हो जाए, क्योंकि इसमें काफी घटिया काम उन्होंने किया था और वो नहीं चाहते थे कि कोई भी इसे देखे। जब उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया साइन की तो वो इतने दुबले थे कि उन्हें कई सीन पैंट के नीचे लड़कियों की 6-7 लेगिंग्स पहनकर करने पड़े, क्योंकि उनकी पतली टांगे पैंट के ऊपर से साफ झलक रही थी। ये फिल्म हालांकि ब्लॉकबस्टर रही, लेकिन 8 महीने तक उन्हें कोई दूसरी फिल्म नहीं मिल पाई। हालात ये थे कि बेइज्जती से बचने के लिए उन्होंने फिल्मों के फर्जी अनाउंसमेंट भी कराए थे। सच नंबर 2, जब सलमान खान ने लगा दी थी पिता सलीम के पैसों में आग। सलमान का ज्यादातर बचपन इंदौर में बीता, जहां सलमान अपने भाइयों के साथ मिलकर खूब बदमाशी करते थे। पढ़ाई के लिए ग्वालियर जाने से पहले सलमान 5-6 साल की उम्र तक इंदौर में रहे। एक दिन दिवाली मनाते हुए सलमान अपने बड़े भाइयों के साथ कागज जला रहे थे। जब आसपास के सारे कागज खत्म हो गए तो सलमान कागज ढूंढते हुए पिता के कमरे में जा पहुंचे। ड्रॉअर में रखा पिता के नोटों का बंडल उन्होंने उठाया और उसे जला दिया। सलमान के लिए महज कागज के टुकड़े थे, लेकिन असल में ये सलीम खान के पूरे महीने का वेतन था। उस बंडल में 750 रुपए थे। जैसे ही सलीम खान को ये पता चला तो उन्होंने गुस्सा करने के बजाय बच्चों को बुलाया और प्यार से पैसों की अहमियत समझाई। सच नंबर 3, पहली कमाई थी 75 रुपए। रईसों के सामने नाचकर कमाए थे पैसे। सलमान खान की पहली कमाई सिर्फ 75 रुपए थी, जो उन्हें ताज होटल के एक प्रोग्राम में डांस करने पर मिली थी। सलमान का एक दोस्त ताज होटल में एक शो में डांस करने गया था। उसने सलमान को भी अपने साथ ले लिया और बैकग्राउंड में डांस करने का मौका दिया, जिसकी वजह से उन्हें 75 रुपए मिले। करियर की शुरुआत करने के लिए सलमान खान ने 1988 में आई जैकी श्रॉफ की फिल्म फलक में शशिलाल नायर को असिस्ट किया था। डायरेक्टर बनने के लिए सलमान ने एक फिल्म की स्क्रिप्ट भी लिखी थी। वो कई प्रोड्यूसर्स के चक्कर काटा करते थे, लेकिन कोई भी उन पर पैसे लगाने को तैयार नहीं था। सच नंबर 4, मजबूरी में पहनी मामू की दी गई फटी जींस, यही बना फैशन। सलमान खान को रिप्ड जींस का ट्रेंड सेट करने के लिए जाना जाता है। उनके अनुसार वे मजबूरी में फटा जींस पहना करते थे, लेकिन लोगों ने इसे ही ट्रेंड बना लिया। इस बारे में उन्होंने एक किस्सा भी सुनाया था। दरअसल जब वे सिंधिया स्कूल में पढ़ते थे तो उनकी माँ के छोटे भाई, जिन्हें भी टाइगर अंकल बुलाते थे, उन्होंने जर्मनी से एक रेगुलर का जींस भेजा था। इस जींस को वे कॉलेज के समय तक पहनते रहे और इसी दौरान वे फट गया। फटने के बावजूद भी सलमान उसी जींस को पहनकर कॉलेज जाते थे। सलमान बताते हैं कि उनके पास उस वक्त 2 जींस थे और उन्हें मजबूरी में वही फटी जींस पहननी पड़ती थी, लेकिन लोगों ने इसे ही फैशन का ट्रेंड बना लिया। सच नंबर 5, ठोकर खाने के बाद सोशल वर्क में सबसे आगे निकले। काले हिरण के शिकार वाले केस में फंसने के बाद सलमान खान ने सबक लिया और दूसरों की भलाई के लिए प्रयास शुरू किए। जब कोर्ट ने केस की सुनवाई में उनकी जाति पूछी तो उन्होंने अपनी जाति इंसानियत बताई थी। सलमान ने जुड़वा बहनों को गोद लिया है, जिनके सिर आपस में जुड़े हुए हैं। सलमान ने इन्हें मिलने के लिए खुद टिकट भेजकर मुंबई भी बुलाया था। सलमान खान बीइंग ह्यूमन के फाउंडर हैं। शुरुआत में सलमान खुद अपने खर्च पर ये संस्था चलाते थे, बाद में उन्होंने बीइंग ह्यूमन का ब्रांड शुरू किया। इस ब्रांड से हुई कमाई का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद को जाता है। ये शिक्षा और हेल्थ के क्षेत्र में काम करता है। साल 2012 में सलमान ने 40 लाख रुपए उत्तर प्रदेश की 63 जेल के 400 कैदियों को छुड़वाने के लिए दिए थे। ये वो कैदी थे जिनकी सजा तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन बेल अमाउंट न भर पाने के कारण उन्हें जेल में ही रहना पड़ रहा था। 2015 में सलमान खान ने बजरंगी भाईजान फिल्म से हुए मुनाफे की राशि भारत के गरीब किसानों को दान भी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।